हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स बाय मनीषा परिहार। आज हम करेंगे क्लासिक साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ऑलराइट, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि आपकी सराउंडिंग्स में वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है, कोई मीडियम इन हाइट है, किसी की लीव्स ग्रीन है तो किसी की कलर्ड है। लीव्स की शेप भी अलग अलग है, इनफैक्ट साइज भी अलग अलग है। किसी की लीव्स बहुत छोटी हैं, किसी की बड़ी बड़ी लीव्स हैं, राइट? किसी किसी प्लांट्स में फ्लावर्स आते ही नहीं है और किसी में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। किसी के फ्लावर्स में खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है और किसी में नहीं होती। फ्लावर के कलर में भी कितनी वेरिएशन है, कहीं ब्लू कलर के फ्लावर मिलते हैं, कहीं पिंक, कहीं रेड, कहीं येलो, राइट? फ्लावर के साइजेस भी अलग अलग हैं, किसी के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, किसी के बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हमारी सराउंडिंग में हैं, उनमें बहुत सारी वेरिएशन है। उनकी हाइट में वेरिएशन है, उनकी लीव्स में वेरिएशन है, उनके फ्लावर्स में वेरिएशन है, उनकी रूट्स में वेरिएशन है, राइट? और इन्हीं प्लांट्स के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जो प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। अब ट्रीज क्या होते हैं ये तो आप सबको पता है, राइट? हम सब ने इतने सारे ट्रीज देखे हैं। देखते हैं कि हर्ब्स और श्रब्स क्या होती हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स वो प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम जो है वो ग्रीन होगी और टेंडर होगी, यानी सॉफ्ट होगी, ग्रीन कलर की होगी, सॉफ्ट होगी, बेसिकली नॉन वुडी होगी। अगर आप उसे बेंड करना चाहेंगे तो वो इजिली बेंड भी हो जाएगी, इनफैक्ट ज्यादा फोर्स लगाई तो टूट भी जाएगी, ठीक है? और वो शॉर्ट इन हाइट होते हैं, उन सबकी हाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है और ब्रांचेस भी उसमें बहुत कम होती हैं। जैसे कि ये तुलसी का प्लांट, ठीक है? तुलसी आप सबने देखी है, इसकी स्टेम देखिए, ग्रीन है, टेंडर है, आपने कभी तोड़े भी होगी तो बहुत आसानी से टूट जाती है, इजिली बेंड हो जाती है, राइट? छोटे भी होते हैं हाइट में और ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे पुदीना का प्लांट, मिंट प्लांट, ये भी एक हर्ब है। कोरिएंडर यानी धनिये का प्लांट, तुलसी प्लांट, ग्रासेस, पालक या स्पिनेच, वीट प्लांट। कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे टोमेटो प्लांट, राइस प्लांट, जिंजर, कैरेट, स्पिनेच, कोरिएंडर, पुदीना, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं श्रब्स की। ओके, तो जो श्रब्स हैं वो हर्ब से टॉलर होंगी पर ट्रीज से शॉर्टर होंगी, ठीक है? हर्ब से हाइट में बड़ी होंगी लेकिन ट्रीज से छोटी होंगी, ये एक श्रब है। अब श्रब्स में क्या है, श्रब्स की जो स्टेम है, आप इसकी स्टेम देखिए, उसकी स्टेम हार्ड होती है पर ज्यादा थिक नहीं होती है। अब ट्री की जो स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं वो कितनी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, राइट? तो श्रब की वैसी नहीं होती पर स्टेम इसकी हार्ड होती है, ग्रीन और टेंडर नहीं है, ये ऐसे नहीं टूट जाएगी कि आप आसानी से बेंड कर सकें, ठीक है? तो इसकी स्टेम हार्ड है पर ज्यादा थिक नहीं होती और इनमें जो ब्रांचिंग होती है, आप देख रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस जो है वो बिल्कुल बेस से शुरू हो जा रही है, जहां ये ग्राउंड में लगा है, तो ब्रांचिंग जो होती है वो क्लोज टू ग्राउंड शुरू हो जाती है यहां से। और हाइट मैंने आपको बता दी कि ये हर्ब से टॉल होते हैं पर ट्री से शॉर्ट होते हैं। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल श्रब्स के, ये चाइना रोज का प्लांट, ये ड्यूरांटा प्लांट, इन सब में देखिए इनकी ब्रांचेस जो हैं वो नीचे से ही शुरू हो रही हैं, इनकी स्टेम्स जो हैं टॉल भी हैं, हर्ब से टॉल हैं, राइट? और इनकी स्टेम्स जो हैं वो ग्रीन नहीं है, थोड़ी हार्ड है पर ज्यादा थिक नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, उससे पहले ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ लगे हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं या यहाँ इधर इधर जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, ये सब हर्ब्स हैं, शॉर्ट इन हाइट है, सॉफ्ट ग्रीन टेंडर स्टेम्स है इन सब की। जो इससे बड़ी ये वाले जो यहाँ आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला जो प्लांट है इधर, ये वाला या ये वाला, ये सारे क्या हैं, ये हैं श्रब्स, राइट? हर्ब से टॉल हैं, थोड़ी वुडी स्टेम है इनकी पर ज्यादा थिक नहीं है। और ये जो है ये तो ट्रीज हैं, ये तो सबको पता है कि ये ट्रीज हैं। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स श्रब्स के।
जैसे जैस्मिन हो गई, चाइना रोज, लेमन, ड्यूरांटा, बोगनविलिया प्लांट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रीज की। अब ट्रीज तो सबको पता है, ट्रीज जो है इन तीनों में सबसे टॉलेस्ट होते हैं। हर्ब से लंबे होते हैं श्रब्स और श्रब से लंबे होते हैं ट्रीज। ट्रीज सबसे टॉल हो गए। अब ट्रीज की जो ये स्टेम है या जिसको हम ट्रंक कहते हैं ट्रीज का, वो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत थिक होता है, राइट? आप देख सकते हैं इसको, आप थोड़ी ना बेंड कर पाएंगे। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, एक ट्री की जो ब्रांच है वो काफी ऊपर से शुरू होती हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड से कितने ऊपर से स्टार्ट हो रही हैं। जबकि श्रब्स में हमने कहा था कि श्रब्स की जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल नीचे से शुरू हो जाती हैं, क्लोज टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा ट्री है। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जामुन ट्री, पीपल ट्री, बनियन, कोकोनट, नीम ट्री, पाइंस। कितने सारे ट्रीज आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं। ऑल राइट, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्या डिफरेंस है। ये एक हर्ब है, शॉर्ट इन हाइट, उसे थोड़ा लंबा श्रब हुआ, उससे थोड़ा बड़ा ट्री हुआ। और क्या क्या डिफरेंसेस थे? इनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट होगी, ग्रीन होगी, इजीली बेंड हो जाएगी, राइट? और ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं है। इनकी स्टेम जो होगी वो वुडी होगी, आसानी से बेंड नहीं होगी, पर ज्यादा थिक नहीं होगी एज कंपेयर टू ट्रीज। ट्रीज के कंपैरिजन में तो थिक नहीं है ना, ट्रीज की तो बहुत थिक होती है स्टेम, ट्रंक जो होता है। और इनकी ब्रांचेस जो है वो क्लोज टू ग्राउंड, नीचे से ही शुरू हो जाती हैं, राइट? और ट्रीज के बारे में आप जानते ही हैं कि ट्रीज की जो ट्रंक है वो बहुत थिक होगा, हार्ड होगा, वुडी होगा, और ब्रांचेस जो है वो काफी ऊपर से शुरू होंगी, और ट्रीज जो है वो टॉलेस्ट होते हैं इन तीनों में। ऑल राइट, चलिए तो इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट आसानी से अब कर सकते हैं कि कौन सी हर्ब्स हैं, कौन सी श्रब्स हैं और कौन सी ट्रीज हैं। ये जो यहाँ छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे हर्ब्स हैं, ये बड़े बड़े ट्रीज हैं, और ये जो इधर लगे हैं ये क्या हैं? श्रब्स, ये भी श्रब्स हैं। ऑल राइट, तो इस टेबल में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को। तो हाइट के हिसाब से देखें तो हर्ब्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट, राइट? श्रब्स क्या है? टॉलर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्रीज। और ट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट हैं। स्टेम की बात करें तो हर्ब्स की स्टेम होती है सॉफ्ट और ग्रीन कलर की, श्रब्स की क्या होती है? हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक। और ट्री की कैसी होती है? हार्ड भी होगी और थिक भी होगी। और क्या कहते हैं उसकी स्टेम को? हम ट्रंक। और ब्रांचिंग कहाँ शुरू होती है? हर्ब्स में तो ब्रांचेस होती ही नहीं, या फिर फ्यू ब्रांचेस होती हैं। श्रब्स में जो ब्रांचेस हैं वो बेस से ही शुरू हो जाती हैं, क्लोज टू ग्राउंड। और ट्रीज में जो ब्रांचिंग होती है वो काफी ऊपर शुरू होती है, मच अबव द ग्राउंड। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जिनकी स्टेम जो होती है वो काफी वीक होती है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। हमने क्या कहा? उनकी जो स्टेम है वो काफी वीक है। अब स्टेम वीक है तो वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, ठीक है? तो वो क्या करते हैं? वो या क्रीप करते हैं या क्लाइंब करते हैं। देखते हैं क्रीपर्स क्या होते हैं। तो क्रीपर्स वो प्लांट हैं जो ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं या स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक है, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, तो वो क्या ग्राउंड पे ही फैलने लग जाएंगे, स्प्रेड करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे आपका वाटरमेलन प्लांट, मस्क मेलन, मस्क मेलन प्लांट, पंपकिन का प्लांट, स्वीट पोटेटो का प्लांट। पंपकिन आपको पता है कद्दू होता है, राइट? मस्क मेलन यानी कि खरबूजा और वाटरमेलन यानी तरबूज। ठीक है, अब देखते हैं क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने नेबरिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि उनके आसपास जो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे मान लीजिए कोई वॉल है, कोई ट्री है या कोई फेंस है, उसके सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया मनी प्लांट, पी प्लांट, बिटर गार्ड यानी करेला, बॉटल गार्ड यानी लौकी। फोटोज देख के समझते हैं। तो हमने कहा क्रीपर्स वो प्लांट है जो ग्राउंड पे ही स्प्रेड करते हैं या क्रीप करते हैं। जैसे ये देखिए, ये ग्राउंड पे ही आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ये है पंपकिन, कद्दू का प्लांट, राइट? ये किसका प्लांट है? वाटरमेलन का। ग्राउंड पे ही क्रीप कर रहा है, ये भी क्रीपर है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए क्रीपर्स के। अब बात करते हैं क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स हमने कहा कि ऐसे प्लांट्स जो किसी चीज का, किसी स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है?
मनी प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सबने मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट किसी चीज का सपोर्ट लेता है और ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ उसने ट्री का सपोर्ट लिया है। आप उसको कई बार थ्रेड से भी बांध देते हैं या किसी पोल से अटैच कर देते हैं, राइट, और वो ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही करेला, बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड में भी आप देखिए ये इस फेंस की मदद से क्लाइंब कर रहा है, तो ये भी हुआ हमारा क्लाइंब। ऑल राइट, तो हमने बात कर ली हर्ब्स की, श्रब्स की, ट्रीज की, क्रीपर्स की, क्लाइंबर्स की। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। हम जानते हैं ये प्लांट की रूट होती हैं, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, राइट। बट इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमें बात करनी है इस चैप्टर में। प्लांट के रूट सिस्टम में आती हैं उसकी रूट्स और शूट सिस्टम में ये सारी चीजें, जैसे स्टेम, लीव्स, फ्लावर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शूट सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स के बारे में। ऑल राइट, शुरुआत करते हैं स्टेम से। हम सब ये जानते हैं कि ये जो है ये प्लांट की स्टेम है, और इसी की वजह से प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रह पाता है, राइट। स्टेम जो है वो प्लांट को होल्ड करके रखती है। स्टेम में ही लगती हैं लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें, राइट, प्लांट की। दो और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो स्टेम के हैं वो ये कि रूट्स जब वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, तो उन वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक स्टेम पहुंचाती है। कैसे? स्टेम में होती हैं ट्यूब्स, स्पेशल ट्यूब्स, जिससे वाटर और मिनरल ट्रांसफर होता है रूट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को, और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं जाइलम। सिमिलरली हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। अब खाना तो लीव्स में बना, पर उसके बाद वो और जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहां तक भी तो पहुंचना चाहिए, फ्रूट्स तक पहुंचना चाहिए, स्टेम तक पहुंचना चाहिए, रूट्स तक पहुंचना चाहिए। तो ये काम भी कौन करता है? स्टेम करती है। इसके लिए भी स्टेम में स्पेशल ट्यूब्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम से ट्रांसफर होता है फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स में टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। हमने क्या कहा कि जो रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेंगी, ठीक है। सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर और मिनरल्स, और आप ऐड भी करते हैं वाटर को जब आप प्लांट को इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं प्लांट की, तो रूट्स जो हैं प्लांट की वो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर और मिनरल्स को। अब ये वाटर और मिनरल्स प्लांट के और हिस्से में भी चाहिए, सबको चाहिए, तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? स्टेम ट्रांसफर करेगी। स्टेम के अंदर होती हैं ट्यूब्स जो इसे ट्रांसफर करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? जाइलम। ऑलराइट, सो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम। ये देखिए, ये है जाइलम। इस तरह की ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स की स्टेम में, और इसके अंदर से जाता है पानी और मिनरल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ऑलराइट, ऑलराइट, दूसरी हमने बात की कि फूड जो है वो प्लांट्स का फूड जो है वो लीव्स में प्रिपेयर होता है। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ऑलराइट, तो लीव्स में खाना पक गया, लेकिन अब खाना तो पूरे प्लांट को चाहिए, सबको चाहिए, तो ये खाना एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? स्टेम की स्पेशल ट्यूब से, और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं फ्लोएम। ऑलराइट, और इस फ्लोएम से जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। तो हमने क्या कहा, जाइलम से क्या ट्रांसफर होगा? वाटर और मिनरल्स, और फ्लोएम से क्या ट्रांसफर होगा? फूड। ऑलराइट, ये है फ्लोएम, ये भी इसी तरह की ट्यूब होती है, और इससे ट्रांसपोर्ट होता है फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, ऑलराइट, अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करेगा कि स्टेम से वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, यानी स्टेम कंडक्ट्स वाटर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, और उसके बाद उसमें 1/3 तक उस ग्लास को पानी से भर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स इंक की डाल दीजिए, किसी भी कलर की इंक की, ठीक है, जैसे यहाँ रेड कलर की इंक की डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, किसी प्लांट को लीजिए, किसी हर्ब को लीजिए, और उसकी स्टेम को काट दीजिए, नो, उसे कट कर दीजिए बेस से, और उसके बाद उसे डिप कर दीजिए इस ग्लास में,
इस क्लास में उसे रहने दीजिए और एक दो दिन के लिए रहने दीजिए और नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करिए इस प्लांट को। आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्लांट का जो फ्लावर है ऊपर उसका कलर चेंज हो जाएगा। जिस कलर की इंक में आपने उस प्लांट को रखा उस फ्लावर में उसी कलर की इंक आ जाएगी। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो स्टेम है वहां से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हुआ और वाटर में क्या डिजोल्व थी? इंक। इंक डिजोल्व थी इसलिए फ्लावर में वही कलर आ गया। तो प्रूव हो गया ना कि स्टेम से ही जाते हैं वाटर और मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, राइट? ये देखिए, ये भी थी हमारे पास एक व्हाइट रोज की स्टेम। इसको हमने ब्लू कलर के इंक में डिप कर दिया और जब आप उसको नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपका जो फ्लावर है वो इस कलर का हो जाएगा, उसमें ब्लूइश टिंज आ जाएगी। ये व्हाइट था प्लस इसमें ब्लू आ गया, राइट? क्यों? क्योंकि स्टेम से ट्रांसफर हुई ये इंक। ऑल राइट, तो ये सब था स्टेम के बारे में। अब हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ऑल राइट, ओके। तो ये जो पूरा ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है, ठीक है, जिसको आप लीफ कहते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है इसे कहते हैं लीफ का लेमिना। ऑल राइट, उसके बाद ये हमारी स्टेम है, ठीक है, यहां से यहां तक। लेकिन लीफ स्टेम तक भी तो अटैच हुई है, ये भी हिस्सा और ये वाला भी। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पिटियोल, वो पार्ट ऑफ लीफ जिसकी जिससे वो अटैच हुई है स्टेम के साथ। ये है हमारा पिटियोल, ये है हमारा पिटियोल, ये है हमारी मेन स्टेम, और जो ये ग्रीन ब्रॉड पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? लीफ लेमिना। ओके ओके, इसके बाद आपने लीव्स पे इस तरह की जो लाइंस हैं वो भी ऑब्जर्व की होंगी। तो ये क्या है? तो ये जो स्मॉल लाइंस हैं जो लीव पे प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। ये जो स्मॉल लाइंस हैं, ये जो ये आपको सारी दिख रही हैं, और जो उसमें सबसे बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, वेट अ मिनट, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है बीच में, इस लाइन को हम कहते हैं मिड रिब। अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज मिड रिब। ऑल राइट, आप समझ गए मिड रिब और वेन्स क्या है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये हो गई आपकी मिड रिब, और जो साइड्स की लाइंस हैं वो हो गई आपकी वेन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स। अब आप समझ गए कि ये जो पूरी लीफ है इसको हम कहेंगे लीफ लेमिना, ठीक है। ये बीच वाली जो है इसको हम कहते हैं मिड रिब, और जो साइड की वेन्स, जो साइड की लाइंस है उसको हम कहेंगे वेन्स, और ये लीफ जो जिस पार्ट से स्टेम से अटैच हुई है उसे हम कहेंगे पिटियोल, ठीक है। ओके, अब जो लीव्स की जो वेन्स हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो में, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। वेनेशन क्या है? ये जो वेन्स हैं लीफ में ये एक पैटर्न तरह का बनाती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं जिसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं, और ये दो टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, तो अगर लीव्स में आपने देखा होगा किसी किसी लीव्स में इस तरह का पैटर्न होता है, ठीक है, अगर लीव्स में इस तरह का डिजाइन हो विच इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। आप ये मिड रिब देख रहे हैं, मिड रिब के दोनों तरफ ऐसे देखिए, मिड रिब के दोनों तरफ इस तरफ भी वेन्स है नेट लाइक और इस तरफ भी है, ठीक है। तो इस तरह की विनेशन को, इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और ये किस किस में होता है? रोज में होता है, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी वेन्स ऐसी हैं पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इस लीव में जो वेन्स हैं वो पैरेलल हैं। तो इस तरह की जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। और ये किस किस में होती है? ग्रास, वीट, मेज, बनाना, एटसेट्रा। ऑलराइट, ये देखिए, इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि रेटिकुलेट विनेशन क्या है। ये रेटिकुलेट विनेशन है, मिड रिब है और जो वेन्स हैं वो दोनों तरफ ऐसे नेट लाइक पैटर्न बना रही हैं। इसमें भी मोस्टली आपने ऐसी ही लीव्स देखी होंगी, राइट? और पैरेलल विनेशन कैसी है? ऐसी आप देख सकते हैं, इसमें जो है वेन्स जो है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, सीधी सीधी लाइंस हैं इस तरह से वर्टिकल। और इस वाले में, ये बनाना प्लांट की लीफ है, इस वाले में इस तरह से, इसमें भी पैरेलल वेन्स हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, पर
ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, राइट। तो ये है पैरेलल विनेशन और ये थी हमारी रेटिकुलेट विनेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स की, कि लीव्स के क्या फंक्शंस हैं। तो जो हमारी लीव होती है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन लीव जो है वो प्लांट का फूड बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, लीव्स जो है वो प्लांट का खाना बनाती हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, हम सबको पता है कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब इसमें से कुछ प्लांट कुछ वाटर जो है वो यूज हो जाएगा प्लांट का फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, राइट। जो एक्सेस वाटर बच जाएगा उसका प्लांट क्या करेगी, आपकी बॉडी में भी जो एक्सेस वाटर होता है उसे आप निकाल देते हैं ना, यूरिनेट कर देते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं एंड यू रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम योर बॉडी, राइट। इसी तरह से प्लांट्स भी जो है वो एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, लीव्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लीव से छोटे 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 वेपर्स बन के जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, एक्सेस वाटर। तो ये है लीव्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, तो हमने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो लीव्स में प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या हुई, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, एयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको यूज करते हैं, वाटर और मिनरल्स को यूज करते हैं, और कहां से लेते हैं, सॉइल से, राइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमारी लीव्स में प्रेजेंट होता है उसकी मदद से बनाते हैं अपना खाना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस। आप सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है, तो वो कौन सी प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम, राइट। अब प्लांट की जो लीव होती है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोटे 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 स्मॉल ऐसी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पोर्स से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब भी कर सकती है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज भी करती है फोटोसिंथेसिस के बाद, ऑलराइट। और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये है स्टोमेटल पोर्स का एनलार्ज डायग्राम, ऐसे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे, ऑलराइट। ऑलराइट, तो हमने कहा कि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने बात की थी कि टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे किया जाता है। इफ यू रिमेम्बर, हम आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट ऑफ स्टार्च करते थे, तो अगर लीव्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करती हैं तो लीव्स पे भी टेस्ट ऑफ स्टार्च करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि लीव्स में कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है या नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लीफ लीजिए, ये है आपकी ग्रीन लीफ, उसके बाद उसे एक इस तरह की टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए स्पिरिट यानी अल्कोहल, ताकि पूरी तरह से लीफ जो है वो कवर हो जाए। और उसके बाद उसे उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में डालिए जिसमें ऑलरेडी पानी था, और उस बीकर को हीट कीजिए। ऑलराइट, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लीफ जो है वो ऑलरेडी ग्रीन कलर की है। अगर ग्रीन कलर की लीफ पे हम टेस्ट करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, तो क्या होगा कि हमें कलर की ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी तरह से नहीं पता चलेगी, राइट। वो ऑलरेडी कलर्ड है, उसमें क्या कलर आया आपको नहीं पता चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम अपनी ग्रीन कलर की लीफ को कलरलेस करना चाहते हैं। तो जो ग्रीन कलर जो लीफ का होता है वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो जब हम इसको अल्कोहल में डिप करेंगे और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को पानी में रखेंगे और हीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जो जितना भी ग्रीन कलर है वो उस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, हमारी लीफ जो है वो कलरलेस हो जाएगी। जब हमारी लीफ कलरलेस हो जाएगी, उसमें से सारा कलर हट जाएगा, तब हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या कलर आता है। तो ये सब करने के बाद जब आपकी लीफ कलरलेस हो गई, उसे वॉश करिए और उसके बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। यहाँ नोटिस कीजिए क्या हुआ, आपकी लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, यानी आपकी लीफ में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो ये तो प्रूफ हो गया, ऑलराइट। पर अब आप ये कह सकते हैं कि इससे ये तो प्रूफ नहीं होता कि लीव्स ने ही ये खाना बनाया हो, तो हो सकता है कि ये जो फूड है
वो किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट में बना हो और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया गया हो। तो चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि फूड जो है वो लीव्स में ही बनता है। ठीक है, अभी तक अभी हमने टेस्ट किया कि लीव्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको एक और एक्सपेरिमेंट करना है। आपको क्या करना है, एक प्लांट लीजिए और उसको 2-3 दिन तक डार्क रूम में रखिए जहां लाइट ना हो। उससे क्या होगा, हमने कहा था कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। तो 1-2 दिन तक ये प्लांट जब डार्क लाइट में रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना पाएगा। लेकिन जो इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड फूड है, जो प्लांट का स्टोर्ड फूड है, जो उसने स्टोर करके रखा है, वो 1-2 दिन तक उसे ही कंज्यूम कर लेगा, राइट? तो जितना भी स्टोर्ड फूड था या जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स था वो अब कंज्यूम हो चुका है। उसके बाद आप क्या करिए, इस प्लांट को सनलाइट में रखिए और प्लांट की लीफ को का एक हिस्सा को आप कवर कर दीजिए किसी ब्लैक पेपर से, टेप से। ऐसे हमने कवर कर दिया और प्लांट को रख दिया धूप में। अब उसके बाद इस लीफ में हम टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप क्या नोटिस करेंगे कि जितना भी हिस्सा प्लांट का सनलाइट के कांटेक्ट में आया, यानी कवर्ड नहीं था, इनमें से किसी भी लीफ का आप टेस्ट करेंगे तो वो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, राइट? यानी इंडिकेट करेंगे कि उनमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, उन्होंने सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की। लेकिन जो ये वाला हिस्सा था जिसको हमने कवर कर दिया, जिस तक सनलाइट नहीं पहुंच पाई, वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा जब हम उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सनलाइट उस तक पहुंची ही नहीं, उसमें फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं। ऑलराइट, तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपीरेशन की, लीव्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसमें एक्सेस वाटर को वो रिमूव कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ऑलराइट, तो अगर ये प्रूव करना हो कि लीव्स ट्रांसपीरेशन करती हैं तो हमें क्या करना है, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसकी एक ट्विग में से आप सारी लीव्स निकाल दीजिए और उसे इस तरह से एक पॉलिथीन कवर से कवर कर दीजिए। ठीक है, एक पॉलिथीन से कवर कर दीजिए। एक और ट्विग लीजिए, उसकी लीव्स को आपको नहीं निकालना है, उसे भी आप एक पॉलिथीन से कवर कर दीजिए और उसके बाद प्लांट को सनलाइट में रहने दीजिए 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे बाद आप नोटिस करेंगे कि जिस पॉलिथीन कवर के अंडर लीव्स वाली ट्विग थी, जहां लीव्स थी, उस पॉलिथीन कवर के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। लेकिन जिसकी लीव्स आपने रिमूव कर दी थी, उस पॉलिथीन कवर के ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई वाटर ड्रॉप्स नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लीव्स ने, इस केस में लीव्स ने जो है वो एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव किया, इसलिए आपको वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इस पॉलिथीन पे दिखाई दिए। और इसमें जो है लीव्स आपने रिमूव कर दी, ट्रांसपीरेशन नहीं हुई, तो आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई दी। ऑलराइट, ऑलराइट, तो स्टेम के बारे में बात कर ली, लीव्स के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो जो फ्लावर्स है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, पेटल्स है, सेपल्स है, पिस्टिल है और स्टेमेन है। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और जो स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऑलराइट, चलिए एक एक करके सारे समझते हैं। अब पेटल्स क्या है ये सबको पता है, जो ये कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, जो आप देखते हैं ये रेड कलर का हो गया रोज का, ये पिंक कलर का हो गया, ये येलोइश और रेडिश कलर का, ये पिंक कलर का, ये सारे क्या हैं, इनको हम कहते हैं पेटल्स, द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। ऑलराइट, देखते हैं सेपल्स क्या है। फ्लावर के नीचे ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर बड के नीचे, ये यहाँ पर भी यहाँ पे भी, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं सेपल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट इनक्लोजेस द बड। ये जो है, ये सारे जो है, ये हमारा क्या है, सेपल्स। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं पिस्टिल्स और स्टेमेन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप फ्लावर को ओपन अप करेंगे, उसकी पेटल्स को खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि अंदर इस तरह का जो है एक पिस्टिल होता है। ठीक है, और ऐसे चारों तरफ उसके स्टेमेंस भी होते हैं। तो ये है पिस्टिल, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट,
और ये है स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ऑल राइट, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो स्टेमेन हमने कहा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है और इसके दो पार्ट्स हैं, ये ऊपर वाले को हम एंथर कहते हैं और जो ये स्टॉक है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये फ्लावर का डायग्राम देखिए, इसमें जो ये चारों तरफ ये जो रेड कलर के ऊपर हैं ये है आपके एंथर्स और ये जो है ये ग्रीन कलर की ये हो गई आपकी फिलामेंट और इस पूरे को हम क्या कहेंगे स्टेमेन और ये क्या हुआ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ऑल राइट, तो देखते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर हमने कहा पिस्टिल और इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ये जो नीचे थोड़ी स्वॉलन है इसे हम कहते हैं ओवरी। इस डायग्राम में देखिए ये ऊपर जो है ये है स्टिग्मा, फिर बीच की जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल और ये जो नीचे जो थोड़ा स्वॉलन है ये है हमारी ओवरी। ऑल राइट, ऑल राइट, ओवरी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हमने कहा ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये जो स्वॉलन पार्ट है ये ओवरी है। टुगेदर इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो ओवरी क्या है, ओवरी जो है वो लोअर मोस्ट और स्वॉलन पार्ट है पिस्टल का। और अगर ओवरी को आप इस तरह से कट करके देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे छोटे 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 बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जो हमें जो होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ऑलराइट, तो अब आपको सारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर पता चल गए, हमें पता लग गया कि ये जो है ये जो हमें कलर जो दिखती हैं वो होती हैं हमारी पेटल्स। ठीक है, उसके नीचे जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होती है हमारी सेपल। ठीक है, जो बीच में ये जो है हमारा ये होता है हमारा पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी और इसके साइड में जो ये लगे हैं ये हैं हमारे स्टेमेन जिसमें ये वाला पार्ट है एंथर और ये है फिलामेंट। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाती हूं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है प्लांट में। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो हमारा एंथर है हमने कहा ये है मेल पार्ट ऑफ प्लांट, राइट, तो इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, इसमें प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स, येलो कलर के छोटे छोटे पाउडर जैसे पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स या तो विंड से, हवा से या फिर कई बार बीज से, जो हनी बीज होती हैं, इनफैक्ट हाउस फ्लाइज भी जो होती हैं वो क्या जब इस पर बैठेंगी तो वो इन पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देती हैं यहां से यहां तक, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, ये फीमेल पार्ट है। अब क्या होगा जब ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करेंगे उसके बाद ये नीचे जाएंगे ऐसे स्टाइल में के थ्रू ट्यूब से नीचे जाएंगे और ओवरी में जहां एग्स प्रेजेंट होते हैं वहां जाकर फर्टिलाइजेशन कर देंगे। उससे क्या होगा, ये जो ओवरी है आपकी ये बन जाएगी आपका फ्रूट, इस तरह से बनता है आपका फ्रूट, जो भी फ्रूट आप खाते हो। और उसके अंदर जो हमने कहा था ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स, वो ओव्यूल्स क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं सीड्स। ऑलराइट, आप समझ पाए, देखिए ये है मैंगो का फ्लावर। ठीक है, अब इसमें आप डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख पा रहे होंगे पर इसमें क्या होगा कि मैंगो फ्लावर का जो एंथर है वहां से पॉलन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में जाएंगे और वहां जाके होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से क्या होगा, इस तरह से ओवरी जो है वो धीरे धीरे आपकी जो है पहले ही स्वॉलन थी और बड़ी होती जाएगी और बन जाएगी आपका फ्रूट। यहां देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओवरी जो है फ्लावर की वो स्वॉलन होते होते बन जाएगी आपका फ्रूट और उसके जो ओव्यूल्स थे अंदर वो बन जाएंगे इसके सीड्स और आपका फ्लावर जो है वो ड्राई आउट होके गिर जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो अब हम बात करेंगे रूट्स की, ये हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट रूट्स। ठीक है, तो रूट्स हम सबको पता है रूट्स का क्या काम है, रूट्स का काम है प्लांट्स को फर्मली होल्ड करके रखना सॉइल में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो रूट्स क्या करती हैं, रूट्स होल्ड करती हैं प्लांट को फर्मली इन द सॉइल, एकदम जकड़ के रखती हैं। ठीक है, और रूट्स क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और उसके बाद वो स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन करती है, रूट्स करती हैं, रूट्स ही एब्जॉर्ब करेंगी वाटर और मिनरल्स को सॉइल से। अब रूट्स भी हमारी दो टाइप की होती है, टैप रूट और फाइबरस रूट, देखते हैं टाइप टैप रूट क्या होती है।
तो ये वो टाइप का रूट सिस्टम है जिसमें एक प्रोमिनेंट लॉन्ग मेन रूट होगी और उससे साइड में छोटी छोटी लेटरल साइड रूट्स आ रही होंगी। यहाँ देखिए, ये है टैप रूट। इसमें आप देख सकते हैं एक प्रोमिनेंसी जो है मेन रूट है, सबसे बड़ी सबसे लंबी, और उसके साइड में थोड़ी 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 शॉर्ट 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 जो है वो लेटरल रूट्स निकल रही हैं इससे। तो इस तरह की रूट होती है टैप रूट। ये वाली भी देखिए यहाँ पे, ये भी टैप रूट है। एक मेन रूट है और उसके साइड में निकल रही हैं छोटी छोटी लेटरल और साइड रूट्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। दूसरा रूट सिस्टम होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती, सारी की सारी रूट जो है वो बेस से निकल रही होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें कोई मेन रूट नहीं है, सारी की सारी लेटरल रूट्स जो है वो बेस से ही निकल रही हैं, ठीक है। ये हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम, ये फाइब्रस रूट सिस्टम। ऑलराइट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो ये कि आप सिर्फ लीव्स की जो विनेशन है, जो हमने बात की थी, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन, ये देख के ही बता सकते हैं कि उस प्लांट का रूट सिस्टम कैसा होगा। जो प्लांट्स में रेटिकुलेट विनेशन होती है, जो लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन होती है, इस तरह की लीव्स होती हैं, उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, उनकी रूट्स टैप रूट होती हैं, ठीक है। और जिन लीव्स में पैरेलल विनेशन होती है, उनका रूट सिस्टम कैसा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आपको प्लांट को उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि उसका जो रूट सिस्टम है वो कैसा है, आप लीव्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका रूट सिस्टम कैसा है। तो रेटिकुलेट विनेशन जिन लीव्स की है, उनका रूट सिस्टम है टैप रूट, और जो पैरेलल विनेशन वाली है, उनका है फाइब्रस रूट सिस्टम। ऑलराइट, तो अगर आप रूट्स के फंक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक स्मॉल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें आपको दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और उनमें से एक प्लांट की जो है रूट्स को रिमूव कर देना है। उसके बाद उन्हें 1 वीक तक रेगुलरली वाटर दीजिए और उनकी ग्रोथ में की ऑब्जर्वेशन लीजिए। ऑलराइट, यू विल ऑब्जर्व कि जो प्लांट ए था, जिसमें रूट्स थी, वो बिल्कुल इरेक्ट होगा, ठीक है, फर्म होगा बिल्कुल सॉयल में। अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि रूट्स ने उसको अच्छी तरह से सॉयल में जो है वो होल्ड करके रखा है, और उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल नॉर्मल होगी, क्योंकि रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉयल से, और नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो आपका पॉट बी था, जिसकी आपने रूट्स रिमूव कर दी, वो जो है वो बिल्कुल भी टेढ़ा सा हो जाएगा, और अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा, एंड इट विल इवेंचुअली डाई, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है सॉइल से। तो ये है हमारी रूट्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो सभी प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर नहीं होती हैं। ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स एयर में होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं। आपने बनियन ट्री जरूर देखा होगा, उसकी रूट्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं, आपको बाहर ही दिखती हैं, इन्हें हम कहते हैं एरियल रूट्स। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। आई रियली होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ऑलराइट, तो एजुकेटिंग यंग माइंड्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।